नमस्ते, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। वैसे तो चुनाव यात्रा में हमको चुनाव कवर करने थे, वोटर्स से बात करनी थी, नेताओं से बात करनी थी, लोगों को चुनाव के एजेंडे बताने थे, बतलाने थे। लेकिन जब हम महेश्वर के इस कस्बे में पहुंचे, जो कि खारगोन ज़िले में पड़ता है, तो ये खूबसूरत किला देख के हम अपना लोभ संवरण जो है इस किले को दिखाने का उसे रोक ना पाए। ये किला जो है वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था जब उन्होंने इंदौर से अपनी राजधानी महेश्वर शिफ्ट की थी। और बेहतरीन लोकेशन है ये, अगर आप रणनीतिक तौर पर देखेंगे तो इसके बाएं साइड में विंध्या रेंज है और दाएं साइड में सतपुड़ा की पहाड़ियां और बीच में से नर्मदा निकलती है। तो रणनीतिक तौर पे भी ये बहुत सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पे घाट बने हुए हैं जो कि फिल्मों में अक्सर बनारस के घाट का काम देते हैं, यहाँ पे खूब सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। आइए हम आपको ये किला दिखाते हैं अच्छे से। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको किला घुमाएंगे और हमको किला घुमाएंगे हमारे लल्लन टॉप दोस्त। क्या नाम है आपका? प्रेमांशु। प्रेमांशु जी, जी आप तो आपसे हमारा संपर्क हुआ था फेसबुक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे मेरे को जब मैं यहाँ पे आया था तो कि ये किला स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये अहिल्या माँ साहब के ससुर जी और उनकी हस्बैंड की मृत्यु के बाद में, खांडेराव जी और मल्हारराव जी की, उनकी मृत्यु के बाद के अंदर जो सारा का सारा दारोमदार पूरी राज्य शासन व्यवस्था का उनके ऊपर आ गया। तो महेश्वर को चूज़ करने या सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा उनके पास एक जो व्यू था वो ये था कि इंदौर चूँकि निशाने के ऊपर था और अगर रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो उतना सिक्योर इंदौर नहीं था जितना सिक्योर महेश्वर हो सकता था। और दूसरा क्या वजह थी इसकी सिक्योर होने की, सुरक्षित होने की? क्योंकि उस समय एक महिला के ऊपर राज्य का शासन पूरा का पूरा दारोमदार अगर है तो कई शत्रु जो आसपास जिनसे घिरी हुई थी वो, और चूँकि पहले ही बैटल उनका चल ही रहा था और नर्मदा तक आने का उनका ये था कि एक तो दक्षिण का द्वार यहाँ से खुल जाता है और मराठा साम्राज्य से उनका सीधा लिंकेज इस नर्मदा के द्वारा दक्षिण का द्वार यहाँ से खुलता है, सीधा उसके साथ में लिंकेज उनका हो जाता। और महेश्वर इस्टेब्लिश करने का उनका थोड़ा अगर पॉलिटिकली भी देखा है और अगर युद्ध की रणनीति के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी सिक्योर जगह थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी सतपुड़ा है, दोनों के बीच में से नर्मदा जी, पूरे इंडिया को अगर आप देखें तो दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड यहाँ से नर्मदा जी कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस वजह से यहाँ पे जी बिल्कुल। तो कितने साल तक रही हैं अहिल्या जी? अहिल्या जी अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था उनकी तकरीबन 20-25 सालों के आसपास की, 28 साल के। हमारे साथ हैं संतोष राठौर। संतोष राठौर, ये यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का टूरिस्ट गाइड हूँ और अहिल्या माँ साहब की जानकारी यहाँ पर पर्यटकों को देता हूँ। आप तो ये भी हमको किला घुमाएंगे तो इनसे पूछते हैं। हाँ, तो क्या इस किले की क्या खासियत है? इस किले की खासियत ये है कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने राजधर्म का पालन करे। तो राजमाता अहिल्या ने पूरे भारत के अंदर रिनोवेट करवाया, जहाँ जहाँ भी मुगलों ने तोड़फोड़ की है ऐसे 29 स्थानों पर इन्होंने धार्मिक काम किए हैं। तो उसी को काम देखते हुए राजमाता अहिल्याबाई की बहू थी कृष्णाबाई होलकर, तो राजमाता अहिल्याबाई की बहू ने उनका अहिल्याबाई का नाम अमर बनाए रखने के लिए और एक श्रद्धांजलि के रूप में ये मंदिर और ये पूरा फोर्ट उनकी याद में बनाया, ताकि उनका नाम उनका नाम अमर बना रहे। इसीलिए ये पूरा फोर्ट और आर्किटेक्चर बना है। अच्छा। ये फोर्ट शैली में आर्किटेक्चर बना है, मराठा आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, राजपूताना आर्किटेक्चर और इसमें पूरी भारत की संस्कृति है। तो हमारे यहाँ ऐसी ही एक महेश्वरी साड़ी फेमस है जो इस किले के अंदर जो आर्किटेक्चर बना है ये सब महेश्वरी साड़ियों के बॉर्डर में प्रिंट होता है, इसीलिए यहाँ की महेश्वरी साड़ी फेमस है। आप यहाँ पे मेरे को कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ वॉल आर्ट्स में कुछ ऐसी ऐसी सीनरीज हैं जिसके बारे में आप मेरे को कुछ बता रही थी यहाँ पे। जी, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर मोटिव्स के साथ साथ कई स्टोरीज भी उकेरी गई है इस फोर्ट की वॉल्स पे। और इस पर्टिकुलरली जो स्टोरी है वो ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अहिल्या देवी के जो बेटे थे माले राव होलकर, उनकी किसी नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हुई थी। पर एक्चुअली में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अहिल्या देवी न्यायप्रिय इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया, ना अपने बच्चों में, ना यहाँ के जितने भी जन लोग थे उन लोगों में कभी भेदभाव नहीं किया। तो जब मालेराव होलकर, जब उन्हें पता चला कि मालेराव होलकर जी यहाँ के लोगों के साथ प्रैंक करते थे और कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार करने के भी, ये भी करते थे और साथ में लोगों के जूतों में स्कॉर्पियंस बिच्छू वगैरह रख दिया करते थे, तो वो इस तरह की चीज़ें करते थे। तो जब अहिल्या देवी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुद ये ऑर्डर दिया था कि उनकी मृत्यु करवा दी जाए एक हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर। ये थोड़ा सा दिखाइए इसको, थोड़ा ये हाथी है, ये यहाँ पे इनका
ऐसा मानना है, लेकिन आप बता रहे थे कि कुछ इसका स्टोरी कुछ अलग ही है। ऐसा इतिहास नहीं कहता है कि राजमाता अहिल्या ने अपने लड़के को हाथी के तले कुचलवाया, बाकी उस प्रकार का दंड जरूर दिया जाता था क्योंकि अहिल्या माँ साहब के जो लड़के थे उनका इतिहास नाम क्या कहता है कि मालेराव होलकर की मौत कैसी हुई? उनकी एक शारीरिक बीमारी के कारण मृत्यु हुई, कोई हाथी से नहीं कुचलवाया और ना ही ऐसा कोई इतिहास कहता है। अच्छा, क्योंकि उनकी कहता है कि शारीरिक बीमारी के कारण एक साधारण उनकी नेचुरल डेथ हुई। अच्छा, इसमें और इस तरीके की सीनरीज हैं, जैसे ये भगवान कृष्ण की को उकेरा गया है दीवारों पर और बहुत बारीक काम है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये 4 शैली में बना है, राजपूताना आर्किटेक्चर, मराठा और मुगल। तो इसमें कुछ भारत की संस्कृति है, तो उसमें कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं, उनकी सारी स्टेचू बने हैं और कृष्ण भगवान होलकर का बनवाया हुआ है जो कि अहिल्याबाई की याद में बनाया गया। अहिल्याबाई की बहू कृष्णाबाई ने बनवाया है 1865 में। अच्छा, ये मंदिर वैसे किसका मंदिर है यहाँ? ये पूरा मंदिर और ये जो आर्किटेक्चर और ये जो सारे बने हैं ये राजमाता अहिल्याबाई के बाद में ही बना है 1865 में। तो राजमाता ने क्या, अहिल्याबाई ने क्या क्या बनवाया है यहाँ पे? राजमाता अहिल्याबाई ने यहाँ पर जो महेश्वर का मेन मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, राजराजेश्वर है, उनका रिनोवेट करवाया और वहाँ पर कई सदियों से अखंड 11 दीपक जल रहे थे। तो मुगल काल में यहाँ पर बंद हो गए थे, तो वापस से जब अपना होलकरों का महेश्वर में सेकंड कैपिटल बनाया तो वापस से उन्होंने स्टार्ट किया उन दीपकों को, जो आज भी कई सदियों से जल रहे हैं, अखंड 11 दीपक। तो वो कहाँ हैं, भीतर हैं? राजराजेश्वर मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर, तो चलिए वही देखते हैं फिर। हाँ, ये अहिल्या देवी की प्रतिमा है। हाँ, ये एक महाराष्ट्र के MLA हैं धुलिया के, अनिल जी गोटे, अन्ना अनिल जी गोटे, उन्होंने स्थापित किया है महारानी अहिल्याबाई का, अष्टधातु का ये स्टेचू है। वैसे नर्मदा के किनारे था पर बाकी बाढ़ का पानी आने के कारण इसे ऊपर लाकर स्थापित किया क्योंकि वहाँ पर ये 2-3 बार गिर चुका था। अच्छा, वहाँ पहले नर्मदा के किनारे लगाया के किनारे था लगाया गया, फिर यहाँ से राजा साहब से उन्होंने बात की और उनके लिए ये उत्तम व्यवस्था जगह उन्होंने बनाई और यहाँ पर लाकर उन्होंने स्थापित किया। एक राजा का महल होता है भव्य रूप से, अच्छे से सिंहासन होता है, बाकी अपने लिए ना ही उन्होंने कोई सिंहासन बनाया और ना ही कोई उन्होंने भव्य महल बनाया, बाकी एक सिंपल सा ये उनका पैलेस था जहाँ वो निवास करते थे। अच्छा, ये खपरेल का क्या जैसे सामान्य घर होता है, आप दिखाइए थोड़ा सा। शीशम की लकड़ी का ये घर बना है। अच्छा, ये और उस पे सामने जो चद्दरों पे कौलू वगैरह, एक मतलब एक साधारण सब पैलेस है उनका। अच्छा, कोई एक इसे महल नहीं वो कहती थी, इसे अपना घर कहती थी वो राजमाता अहिल्या। अच्छा, राजमाता अहिल्या, तो इसको इधर से दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। निमाई, आप इधर थोड़ा आ जाइए, तो ये फ्रंट से हम लोग इसको दिखा देते हैं। ये घर, ये राजमाता अहिल्याबाई का खुद का निवास स्थान है, राजवाड़ा बोलते हैं, राजवाड़ा इसको बोलते हैं, और ये उनकी पालकी पड़ी है, अभी निवाई हमको दिखाएंगे। और ये बिल्कुल साधारण सा जैसे हमारे यहाँ पे घर होता है, ये कहीं से भी किसी राजा या महारानी का घर नहीं लगता है, महल नहीं लगता है, बिल्कुल खपरेल और चादरों से बना हुआ जैसा घर है। एक सिंपल अहिल्याबाई को जाना जाता है कि जितने मंदिर तोड़े थे, टूट गए थे मुगल समय में, जो तोड़े गए थे आक्रमणकारियों ने, वो मंदिरों का इन्होंने अपने ज़माने में खूब उसको वो करवाया था, पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। इसकी वजह से ये भी है कि कई कैंपेन्स में जब होलकर्स की बाकी सारी कैंपेन्स थी, मतलब जब वो युद्ध के दौरान जाते थे तो होता ये था कि होलकर जो डायनेस्टी थी या होलकर जो राजघराना था उस तरीके के जीर्णोद्धार में इतना पैसा खर्च कर चुका था कि उनको अपने सैनिक अभियानों के लिए पैसा भी नहीं बचा, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि राजमाता अहिल्या का आधा मध्य प्रदेश था, उसमें जो भी लगान टैक्स कर वसूल होता था तो 90% भारत के रिनोवेट के लिए और 10% अपनी प्रजा को मेंटेन करने के लिए। तो औरंगजेब मुगल ने इंडिया के अंदर जहाँ भी डैमेज किया है वापस से रिनोवेट ही रानी नहीं अहिल्याबाई होलकर ने किया, जिसमें नाम आता है ऋषिकेश, गंगोत्री, पंडरपुर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अमरकंटक। इन्हें माने जाए तो हिंदू धर्म को जो बचाने वाले थे, एक थे जगतगुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने वॉक करके पूरे इंडिया के अंदर पैदल हिंदू धर्म का प्रचार किया, और दूसरी थी राजमाता अहिल्या जिन्होंने हिंदू धर्म को बचा कर रखा है। अच्छा, सारी जगह पर इन्होंने रिनोवेट इतना निर्माण कार्य करवाया और अपने लिए घर बनवाया एकदम साधारण मनुष्य के रूप में। इसमें राजमाता ने कोई एक मंदिर भी बनवाया था, राजराजेश्वरी मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर, वहां पर अखंड दीपक जल रहे थे और उसका थोड़ा सा उन्होंने रिनोवेट करवाया, और मुगल काल यहाँ मुगल शासन भी रहा है तो मुगल काल में यहाँ पर दीपक बंद हो चुके थे, तो वापस से जब अपना अहिल्याबाई होलकर ने सेकंड कैपिटल बनाया तो वापस से उन दीपकों को स्टार्ट किया जो आज भी जल 11 दीपक ये राजराजेश्वर मंदिर में। राजराजेश्वर, अच्छा, इतिहास हमें बताता है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर प्रशासक साबित हुई हैं, चाहे वो मिस्र की क्लियोपेट्रा हों
या दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान या फिर इंदिरा गांधी ही। अहिल्याबाई होलकर उसी तरीके की प्रशासक थीं। उन्होंने अपने लिए बहुत साधारण घर बनवाया और पूरे देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। हमने आपको उनका बनाया हुआ किला महेश्वर में जो है वो आपको दिखाया। इसके बाद में हम लोग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर जा रहे हैं, जहाँ पर एक अद्भुत बांध है जिसके ऊपर अब तक 4,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और जिसने 1 मेगावाट बिजली भी अभी तक पैदा नहीं की। इसकी कहानी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिए। शुक्रिया।